स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों आज मैं आपसे इस कुंद के प्लांट पर बात करूँगी जिसे हम डाउनी जैस्मिन भी कहते हैं। और ये जो प्लांट है ये जैस्मिन की वैरायटी का प्लांट है, विंटर में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है, दिखने में भी बेहद ही खूबसूरत होते हैं इसके फ्लावर। इनके फ्लावर्स में से भीनी भीनी बेहद ही अच्छी खुशबू भी आती है और ये गुच्छों में जब ये फ्लावरिंग इस प्लांट में होती है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों ये एक श्रब टाइप का या हम कह सकते हैं झाड़ीनुमा प्लांट है जिसकी आप खेज भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस प्लांट को आप बेल के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, इसकी एक वाइन भी बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। दोस्तों ये जो प्लांट है ये बहुत हार्डी होता है, इसे लगाना भी बहुत आसान होता है और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। आप एक बार इसे लगा देंगे तो ये आपके गार्डन में चलता रहेगा। दोस्तों ये परमानेंट प्लांट होता है, इसमें किसी भी तरह की हम ये कहें कि ना तो इसमें ज़्यादा डिसीज़ होती है और ना ही हमें इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ना ही ये प्लांट ज़्यादा फर्टिलाइज़र मांगता है। जब यदि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो या इसका जो फ्लावरिंग सीज़न हो तब यदि आप इसमें बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र कर देंगे तो एक बार यदि फर्टिलाइज़ करेंगे तो ये आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से आपको यील्ड देगा, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इसमें होती रहेगी। दोस्तों गर्मी के मौसम में इसमें फ्लावरिंग जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जो मेरे प्लांट में जितने फ्लावर हैं उनकी जो कलियाँ हैं बस इतनी ही बची हैं, अब इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। पूरे बरसात के मौसम में इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। ये अपनी ग्रोथ को इस महीने में बढ़ाता है, इसमें नई नई ब्रांचेस आती हैं। तब आप ध्यान रखें कि आप इसकी छोटी छोटी प्रूनिंग करते रहे ताकि इसकी और ज़्यादा ग्रोथ हो और ये बहुत ज़्यादा बुशी हो। जितना ज़्यादा ये प्लांट बुशी होता है उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावर आते हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि ये जो प्लांट है ये सन लविंग प्लांट है, इसे जितनी ज़्यादा धूप मिलती है ये अच्छे से ग्रो करता है। इसके पत्तियों पर भी ज़्यादा धूप के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ज़्यादा ये सनलाइट के कारण ग्रीन ग्रीन होती जाती है। तो दोस्तों अभी गर्मी में इसका ग्रोइंग सीजन है, आप ध्यान रखें छोटी छोटी ग्रूमिंग आप इसकी कर देंगे। यदि ये कि दो दो लीव्स आप इसके प्लांट के हटाते जाएंगे तो ये आपका प्लांट और ज़्यादा ग्रो करेगा और भी नई ब्रांचेज इसमें आती रहेंगी। तो ये जो प्लांट है ये ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट है, इसे पानी जो है वो सूखा ये बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो आप क्या करें कि इस प्लांट को पानी डेली दें। वैसे तो ये सूखा बर्दाश्त कर सकता है लेकिन यदि हम गर्मी के मौसम में इसमें डेली वाटरिंग करेंगे इसकी ग्रोथ को कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसकी ग्रोथ बहुत ही होती रहेगी। अभी गर्मी के मौसम में इसमें आप फर्टिलाइजर ना दें, अभी किसी भी तरह का फर्टिलाइजर इस प्लांट में ना दें। यदि ग्रो कर रहा है फ्लावरिंग नहीं करेगा ग्रो करेगा तो सिर्फ पानी ही इसके लिए काफ़ी है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता रहेगा और खुशी होगा। जब इसका सीज़न आएगा फ्लावरिंग सीजन तब हम इसमें किसी भी तरह का ऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि यदि आपको इस प्लांट का अभी प्रोपोगेशन करना है तो आप इसका प्रोपोगेशन भी अभी आसानी से कर सकते हैं। आप इसकी छोटी या बड़ी किसी भी तरह की कटिंग एक आप अपने गार्डन में या किसी अलग पॉट में लगा देंगे तो कुछ ही दिनों में कटिंग में भी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप इससे गर्मी के मौसम में अभी नए नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो जो कटिंग लगेगी वो बहुत ही आसानी से एक न्यू प्लांट में चेंज हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपका एक और प्लांट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों गर्मी में आप ध्यान रखिए थोड़ी सनलाइट कम दें, फुल सन लविंग प्लांट है लेकिन आप क्या करें कि इसे थोड़ी 5 से 7 घंटे की धूप के बाद जो दोपहर की धूप होती है वो इसे ना दें, थोड़ा पार्शियली शेडी एरिया में रखें, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहे और पानी डेली दें ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ पर कोई इफेक्ट ना हो। दोस्तों आप कुछ इन सब बातों का ध्यान रखें अपने इस कुंद के प्लांट की समर केयर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है इसमें पानी डेली देना है, फर्टिलाइज़र किसी भी तरह का नहीं देना है, आपको इसे 5 से 7 घंटे की धूप देना है, उसके बाद आप इसे दोपहर की धूप ना दें, पार्शियली शेडी एरिया में रख लें। और आपको इस पर जो आप इसमें प्रोपोगेशन करना चाहते हैं तो आप कटिंग के प्लांट को और भी तैयार कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपने एक प्लांट से कई प्लांट आप इससे आसानी से बना सकते हैं। छोटी छोटी आपको इसमें प्रूनिंग करनी है, आप हाथ से ही अपने फिंगर से ही दो दो पत्तियां आप इस प्लांट की जो अपर साइड की पत्तियां होंगी जहाँ से ग्रोथ
स्टार्ट होती है नई, उन्हें यदि आप हटा देंगे तो आपकी और नई नई ब्रांचेस में प्लांट में आती रहेंगी और आपका प्लांट खुशी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से समझ के कीजिए अपने प्लांट की, अपने प्लांट को हेल्दी बनाकर रखें। दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।